हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हम इस समय सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम 2020 का जीएस का पेपर, जिसके 100 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और रिमेनिंग 50 क्वेश्चन हैं वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2020 का क्वेश्चन है तो उस समय के करंट अफेयर्स भी इस वीडियो में होंगे, ठीक है। ये आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 101वां क्वेश्चन है और ये है 2019 में। इसके बाद आ जाते हैं 102वां क्वेश्चन। ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है, तो 102 के अंतर्गत जो है इसमें इक्ष्वाकु को कहा गया है, बी इसका ठीक होगा। फिर यहाँ पर निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, तो 103 के अंतर्गत यहाँ पर होगा ये अलग जो समिति है इसके अंतर्गत। इसके बाद 104वें क्वेश्चन पे आते हैं, मौर्य समाज में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये जो थे वो मार्ग निर्माण से संबंधित थे, इनका डी सी ऑप्शन होगा। इसके बाद आ जाते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन है निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जब मानव विकास सूचकांक की गणना होती है तो 105 का यहाँ पर ही जो सामाजिक असमानता है इसको नहीं शामिल किया जाता है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर कूट आ गया, महाजनपद और उनकी राजधानी को मैच करना 106 के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये यहाँ पर मत्स्य का होगा विराटनगर, ये यहाँ पर ए का सी ये है, ये दोनों, तो ये ए का सी यहाँ पर ये तो कट ही जाएंगे। फिर इसके बाद जो है कुरु इंद्रप्रस्थ, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि ए का जो है तीसरा और बी का जो है चौथा, और शूरसेन मथुरा पहला है और अश्मक जो है वो पोतन, तो ये दूसरा है, तो इसका सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 107वां गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किस मॉडल के द्वारा किया गया था, तो ये था आस्कर लुईस दुके द्वारा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला है इसमें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पहले कथन इसमें दिया है हमें चोलों के विषय में, उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा राजों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर यहाँ पर जो भी अभिलेख जो उत्कीर्ण मतलब कुरेदे थे वहाँ पर करने का चलन प्रारंभ किया था, और मंदिर की दीवारों पर और उनकी इसी विचार इसी चीज़ का यहाँ पर ऐतिहासिक विवरण भी दिए गए थे। तो 108वां क्वेश्चन है, दोनों ही सही हैं, व्याख्या भी कर रहा है, ए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विचार से चर्चा की गई और निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से महत्वपूर्ण नहीं था, ये 80 के दशक की बात है, तो यहाँ पर राजनीति एवं विकास ये जो है महत्वपूर्ण नहीं था, सी ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर 110वां क्वेश्चन है, ये देखिए भीम बैठका गुफा, ठीक है, भीम बेटिका भी कहते हैं इसे गुफा, इसके बारे में है किस भारतीय पुरातत्व वेत्ता ने पहली बार भीम बैठिका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों में प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, 110वां है, तो इसमें जो थे बीएस बांकर थे, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी की योजना में से आच्छादित हैं उस समय के अनुसार, तो उसमें कुल 10 थे उस समय। इसके बाद सूची एक से सूची दो को मिलाना है यहाँ पर, और हड़प्पा का जो स्थल है वो कहाँ कहाँ है इसको लेकर है, तो 112 का यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ कि ये जो है देखिए मांडा जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पर आपको बी का 2 मिले वो आपके लिए सही होंगे और गलत हो जाएंगे। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है और जो बालू है हरियाणा में, ठीक है, और इसके बाद पांडरी है उत्तर प्रदेश में और हुलास है गुजरात में, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 113वें क्वेश्चन पे। 113 है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी, वो प्रतिवेदन क्या था, तो वो प्रतिबंध था अवर कॉमन फ्यूचर, इसका बी ऑप्शन है।
निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर जो सही कूट है वो बताना है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंगसांग आबू जीद और अलमसूदी अलबरूनी ने किया। इसका सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो 114 के अंतर्गत यहाँ पर दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अटल नमोश्वेमेश मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये जो है वो नीति आयोग की प्रमुख पहल है। 116वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा 1919 में ILO के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो इसके अंतर्गत VP वाडिया को भेजा गया था। इसके बाद 117 है कि 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन की को गति मिली थी, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। इसके बाद एक्स ला शैपल जो संधि है 1748 की, उसके संदर्भ में कथन पूछें 118 में, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि की समाप्ति पर बिल्कुल सही है, ये अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। तो इसके दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक हैं। एक्स ला शैपल बड़ी इंपॉर्टेंट संधि है ये। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधित सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत जो है परिवार नियोजन इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, और सब सही है। उन्हें पोषण मिले, टीकाकरण भी हो, उनका स्वास्थ्य भी, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये कूट हैं, अधिनियम हैं, और इनका मिलान करना है 120 के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए शास्त्र ये जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है वो 1878 में आया था, शाही पद अधिनियम 1876 में आया था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया 1861 में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आया 1869 में। तो इसका आपको यहाँ पर डी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, फिर ये कूट वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिए रखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता और उनका क्या क्या वो था वो सब है इसमें। तो ये सुन तो इसका 121 के अंतर्गत जो है इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, सभी को पता है, तो जिसमें चार का ऑप्शन वो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये उत्तर वैदिक सभ्यता जो है वो उसमें कृषकों से रिलेटेड बात थी, ऋग वैदिक में चारावाहा थे वो लोग, और मध्यकाल में तो जमींदार हो गए थे। तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा यहाँ पर। इसके बाद 122 क्वेश्चन है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? 122वां क्वेश्चन है और इसमें लॉर्ड डलहौजी ने किया था, सी ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर की जनगणना में 10 लाखीय नगर बने नगर, तो यहाँ पर किस इलाका किस भारतीय जनगणना के वर्ष में कानपुर और लखनऊ 10 लाखीय नगर बने थे, कौन सी जनगणना थी वो? तो 123 का यहाँ पर ये होगा 1971-1981 क्रमशः, 1971 में कानपुर, 1981 में लखनऊ। इसके बाद तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके देखिए इससे संबंधित तैयार होगा कि 1981 में लखनऊ 10 लाखीय जनसंख्या वाला नगर बना था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं गया था? 124वां क्वेश्चन है और इसमें है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके अकॉर्डिंग पूछा, ठीक है। तो गांधी जी तो एक अकेले ही थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक ही में भाग लेने गए थे, तो ये क्वेश्चन भी है। अगला 125वां यहाँ पर कि सूची इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो 125 के अकॉर्डिंग जो है जजमानी उत्तर भारत के अकॉर्डिंग है, और 12 बलूट तमिलनाडु के अकॉर्डिंग है, मिरासी जो है वो कर्नाटक के, और अडाडे महाराष्ट्र के। तो सी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर ये देखिए ये भी यहाँ पर कूट मिलाने, पुस्तक और उनके लेखक बताने हैं, 126वां क्वेश्चन, और इसमें देखिए द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, ये डिपोर्टेशन इसके 126वां क्वेश्चन है ये, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है स्टोरी वो लाला लाजपत राय की है। और इसके बाद गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक की है ही, आपको पता ही है, ये चौथा ऑप्शन इसका होगा। इसके बाद द नेशन इन मेकिंग जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, और इंडियन विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो आपको यहाँ पर ये ए ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति या मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था, 127 का है, और 127 का उत्तर यहाँ पर जो है वो है रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना इनमें से किसने की थी?
तो इसके अकॉर्डिंग है हैदर अली ने की थी इसकी स्थापना। 129वां क्वेश्चन है कि कौन सा एक वन्य प्राणियों में विलुप्तिकरण के का प्रमुख कारण नहीं है। 129वां नहीं पूछा है कारण, तो इसमें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि प्राकृतिक आवास नष्ट कर रहे हैं आप, जंगलों में आग लगा रहे हैं, अवैध वाणिज्यिक व्यापार कर रहे हैं वन्य प्राणियों का, ये तो इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि इसके इन तीनों की तुलना में नहीं है, तो इसलिए यह है। फिर यहाँ पर 130वां क्वेश्चन, 130वां जो है इसमें देखिए, ये ब्रिटिश सरकार ने भारत को के अलग भाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी, बिल्कुल सही, अलग अलग, कहीं पर जमींदारी, कहीं पर मनसबदारी थी, है ना, इस तरह से सारी भू राजस्व से रिलेटेड थी। और इसके बाद इनमें भारतीय किसानों से अलग अलग वर्ग भी बन गए थे, तो ये ए और बी सही है, भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए थे, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है, ये अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया कौन से स्थान में, कहाँ पर समर्पित किया गया, तो ये हुबली में समर्पित किया गया। निम्नलिखित ग्रंथों और उनके काल क्रमानुसार बताना है, इनको क्रम से लगाना है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये है, सबसे पहले तो किताबुल हिंद है, फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासु है, फिर उसके बाद तबकात नासिरी है, फिर फतवाए जहादारी है, तो इसका डी ऑप्शन आपको मिलने में, 3, 2, 4, 1। इसका जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ, तो 133 के अकॉर्डिंग संयुक्त अरब अमीरात, इसके अंतर्गत यूएई जो है था। इसके बाद 134वां क्वेश्चन है, 1687 में जब अंग्रेज ने गोलकुंडा, औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, तो उस समय जो था वो अबुल हसन कुतुब शाह था, ए इसका ऑप्शन है। इसके बाद भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये बांग्लादेश ने लगा दिया था, उस समय का क्वेश्चन है। 136वां क्वेश्चन है, इसमें अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों को दबाव के से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने के लिए स्वतंत्रता दे दी थी, बिल्कुल सही बात है, इसके लिए सी ऑप्शन है। इंडिया आइडिया समिट 2020 के बारे में है, ये अमेरिका भारत का व्यापार परिषद के द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को उसका आयोजन हुआ, और इसका विषय भारत का सशक्तिकरण था। 137 का क्वेश्चन, तो इसमें केवल एक सही है, इसकी थीम गलत है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 138वां क्वेश्चन है, इसमें अधिकारी बताने हैं और इन्हें कौन कौन से काम थे उस समय, तो 138 के अंतर्गत इसमें देखिए ये आपको देखने को मिलेगा, दीवाने तन जो है वो था जागीर और वेतन देखना, और इसके बाद यहाँ पर जो ये मुस्तारफी जो है वो राजस्व आय वगैरह का निरीक्षण करता था, और मुशरिफ जो है, मुशरिफ का काम यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताऊँ, मुशरिफ का काम था कार्यालय को संभालने का, और बकिया नवीस का कार्य था प्रमुख घटनाओं और फरमान थे उनको सूचीबद्ध करने का, तो 138 के अकॉर्डिंग आपको बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक लगेगा। इसके बाद 139 पे भी आते हैं कि 29 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नगरों कौन से नगर थे जिसमें किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अनुमोदन दिया, इन चारों में से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनेगा, तो 139 में प्रयागराज में इसके लिए अनुमोदित किया गया, सुमिलित नहीं है इसमें पूछा कौन सा। 140 का पूछा क्वेश्चन का आंसर, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है मुल्तान, ये गलत है और सब ठीक है। भारतीय जो भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा, तो किसके द्वारा किया जाएगा, 141 में ये है, तो वो हरियाणा के द्वारा। इसके बाद किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजववाहक को पुनर्जीवित करके किया गया था, तो 142 में यहाँ पर जो है वो शहाब नहर जो थी उसको। इसके बाद 143 में पूछा है, यहाँ पर भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वाड स्थित नेस्टॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब कौन सा बना, तो इसमें जो है वो मोहन बागान बना था, सी ऑप्शन है। कौन किताब ए नौरस के जो है लेखक
हैं यहाँ पर पूछा है, तो वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय इसका उत्तर है। 145 है यहाँ पर कि भारत की पहली किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच में 8 अगस्त 2020 को उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। किसान रेल की बात हो रही है, पहली किसान रेल, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक, बी ऑप्शन ठीक है। फिर इसके बाद 146वां यहाँ पर, 146 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस में 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद एवं सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो मिर्ज़ापुर में। फिर यहाँ पर ये देखिए समिट हैं और कहाँ कहाँ हुए, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा है 147 में, तो ईस्ट इंडिया समिट 2020 सिंगापुर में उस समय नहीं हुआ था। इसके बाद जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर साइट पढ़ लीजिएगा, वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स जितने भी हैं इसकी वीडियो भी है, कितने वेटलैंड्स अब हो गए हैं चैनल पर आप देख सकते हैं। 148 के अकॉर्डिंग 6 को शामिल किया गया, ठीक है। यूपी दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु नंबर 1 पे है वेटलैंड के मामले में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोविड-19 की अवधि में पहली बार ई लोक अदालत का प्रारंभ हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग है छत्तीसगढ़। फिर है 150, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है, तो इसमें जो है रेगमा इसके अकॉर्डिंग नहीं है, जबकि हालचू ओंजू और शम्पेन तो हैं, रेगमा नहीं है। तो 150 क्वेश्चन हो गए, 2020 का जो प्री का GS का पेपर है वो आज हो गया कंप्लीट। आप जाके चैनल पर इसके जो पिछले वीडियो हैं वो जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।